सीबीआई ने मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में छापामार कार्रवाई की है। सीबीआई ने 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर बैंक फ्रॉड से संबंधित 3700 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। 11 राज्यों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और निवाड़ी जिले में इसमें शामिल है। सीबीआई ने मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई भोपाल के रोहित नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर सिद्धपाल सिंह भदौरिया और आईओबी बैंक के चीफ मैनेजर रहे सतीश चंद्र अग्रवाल के घर और दफ्तर समेत ऐसे ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जहां से बैंक फ्रॉड संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने सिद्धपाल सिंह भदौरिया के पैतृक गांव निवाड़ी जिले में भी छापामार कार्रवाई की। सिद्धपाल सिंह भदौरिया ने आईओबी बैंक में चीफ मैनेजर सतीश चंद्र अग्रवाल के साथ मिलकर बैंक को 4 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। चंद्रपाल सिंह भदौरिया ने बैंक के चीफ मैनेजर अग्रवाल से साठगांठ कर बेची गई प्रॉपर्टी पर लोन लिया। जब जांच में तथ्य सामने आए तब इस फ्रॉड का खुलासा हुआ। तो 11 राज्यों में सीबीआई का एक्शन देखा जा रहा है। दोनों पर बैंक को चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई ने 11 राज्यों में 100 ठिकानों पर बैंक फ्रॉड से संबंधित 3700 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और निवाड़ी जिला इसमें शामिल है। सीबीआई ने मध्य प्रदेश में कार्रवाई भोपाल के रोहित नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर सिद्धपाल सिंह भदौरिया और आईओबी बैंक के चीफ मैनेजर रहे सतीश चंद्र अग्रवाल के घर और दफ्तर समेत ऐसे ठिकानों पर की है जहां पर ऐसे घालमेल के दस्तावेज मिले हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, सीबीआई का एक्शन लगातार जारी। देखिए, बैंक से संबंधित फ्रॉड के मामले पिछले कई महीनों से या कहें कि कई सालों से मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई की जद में आए हैं और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में सीबीआई ने कल एक साथ कार्रवाई की है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी एक मामला है, आईओबी बैंक से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और निवाड़ी दो स्थान ऐसे जहां पर सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और ये आरोप है कि जो बैंक के मैनेजर है उनसे मिलकर सिद्ध भदौरिया जो बिल्डर है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन्होंने फ्रॉड किया है और गलत कागजात लगाकर लोन लिया और उसके आधार पर जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा किया और यही कारण है कि सीबीआई की जद में वो आए हैं। उनका भोपाल में रोहित नगर निवास है, वहां पर सीबीआई ने कल कार्रवाई की थी। इसके अलावा निवाड़ी में भी उनका निवास है, वहां पर भी कार्रवाई की है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि प्रदेश में ऐसे जितने भी मामले हैं देश में जिसमें सीबीआई कार्रवाई कर रही है, 11 स्थानों पर करीब 3700 करोड़ रुपए के घोटाले की के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड किए हैं जिन पर कार्रवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश का भी यह एक मामला है जिसमें आईओबी बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया बिल्डर्स को, सिद्धचंद भदौरिया को, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। देखना होगा कि जो कार्रवाई सीबीआई ने की है उसमें उन दस्तावेजों के आधार पर और कुछ क्या खुलासा होता है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है और 3700 करोड़ रुपए की राशि जो है ये मामूली राशि नहीं है, जिस पर जो है इस तरह के लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई को गलत कागजात जमा करके और गलत तरीके से बैंक का लोन लेकर जो है अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा किया और यही कारण है कि सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। आज कल फिर यह कार्रवाई भोपाल के रोहित नगर में और निवाड़ी में हुई है। शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो सीबीआई का ये बड़ा एक्शन जहां भोपाल में और निवाड़ी में दोनों जगहों पर लगातार कार्रवाई जारी है।